पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने जिले में पहली बार पेल्विक एस्टाबुलम सर्जरी की है। कूल्हे के ऊपर की हड्डी टूटने या खिसकने पर यह सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है। ये सर्जरी प्रदेश के अन्य बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में भी 4 या 5 साल पहले शुरू हुई थी। ये सर्जरी चंबा में होना किसी सपने से कम नहीं था। मेडिकल कॉलेज के हड्डी रोग विभाग के विशेषज्ञों ने इसमें सफलता पाई है। निजी अस्पताल में इस ऑपरेशन पर मरीज के 3.5 लाख रुपए खर्च होने थे, लेकिन मेडिकल कॉलेज में ये 20,000 रुपए में हो गई। चंबा से जिंदू मेहरा की रिपोर्ट, एएमआई न्यूज़ हिमाचल। इसमें स्वागत करता हूं और कल हमारे मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक के द्वारा एक 35 वर्षीय लड़के का जो पेड़ से गिरा था उसकी पेल्विक बोन के एस्टिबुलम का फ्रैक्चर हुआ था और उसका हमारे मेडिकल कॉलेज में सफल ऑपरेशन किया गया, क्योंकि ये अपने किस्म का एक जटिल ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन को हमारे ऑर्थोपेडिक विभाग के विभागाध्यक्ष और उनकी टीम और डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया की टीम और उसके जो सपोर्टिव स्टाफ था उनके प्रयासों से इस जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक यहाँ किया गया। धन्यवाद। एनेस्थीसिया वालों ने 11 बजे का मरीज ऑपरेशन थिएटर में ले लिया था, अपनी उन्होंने जांच की और उसके बाद उन्होंने इनको बेहोश दिया, तो 1.5-2 घंटे में हमने सर्जरी की और मरीज बाहर आ गया। टाइम सर्जिकल टाइम इसलिए कम लगा, असिस्टेंट भी थे हमारे साथ, डॉक्टर गुरजंत थे, डॉक्टर अनुज थे, और दूसरा कि जो हमने ये कंट्यूरिंग वाला काम प्लानिंग से किया पहले ना, प्री कंट्यूर करके प्लान करके चले हुए थे, और सीटी स्कैन हमने एमरजेंसी में कराया। सीटी स्कैन से हमें आइडिया लगा कौन कौन सी हड्डी कहाँ कहाँ टूटी है, उसको हमने इस पे बनाया, उस हिसाब से प्लान करके चले। इसकी वजह से सर्जरी जल्दी हो गई। सर्जरी जल्दी होने का फ़ायदा क्या हुआ, जितनी देर क्योंकि चीरा कम से कम इसमें 10-15 सेंटीमीटर बड़ा लगता है, पूरी की पूरी हड्डी तक जाना पड़ता है, तो वो एक्सपोजर कम हुआ, इन्फेक्शन का रिस्क भी कम होता है और ब्लड लॉस भी कम होता है और पेशेंट की रिकवरी भी जल्दी होती है। तो 1.5-2 घंटे में ये सर्जरी हो गई है। पेशेंट से आप मैं जरूर आग्रह करूंगा मिल लीजिए, वार्ड में दाखिल है, पेशेंट आज खुश है। थोड़ी दर्द रहेगी 5-6 दिन क्योंकि बड़ा ऑपरेशन होता है, पर अब उसका जो कूल्हा है वो अपनी जगह बैठ चुका है। हम एक्सरे भी दिखा देते हैं, पोस्ट ऑप एक्सरे भी हैं, उसमें आप देख लीजिएगा बाद में जो कूल्हा है। तो इसलिए मैं एक बार फिर से प्रिंसिपल सर का, डॉक्टर पंकज का और मेडिकल कॉलेज का और बाकी सारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी हमें सपोर्ट रहता है और आप सबका सबसे ज़्यादा दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, एनेस्थीसिया विभाग, पैथोलॉजी विभाग का। थैंक यू।